Hi. Oh my God, you're looking ample today. Oh, you're looking Kashmiri apple today. Apple, nahi ample. Ample, yani handsome. Itni smart ho, to meri ek baat ka jawab do. Do log hain. Ek ka naam hai I love you. Ek ka naam hai I love you too. I love you too nali mein gir gaya. Bacha kaun? I love you. Sabke samne maine bola. I love you too. पर I love you too तो नाली में पड़ा है ना? जो नाली में पड़ा है उसका तुम्हें पता है, जो तुम्हारे पीछे पड़ा है उसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। हद करती है ये लड़की। वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि आप बिजी हो? मैं तुम्हारे बिना बिजी हो जाऊँ ये हो नहीं सकता। और तुम मेरे बिना बिजी हो जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा फ्री हूँ मैं। वेरी गुड। वो एक्चुअली बात ये है कि मुझे एक एनआरआई प्रोड्यूसर ने एक म्यूजिक वीडियो के लिए अप्रोच किया है। wow. और वो होने वाला है मालदीव्स में। wow. प्रॉब्लम ये है कि वो एक सिंगर ढूंढ रहे हैं। ये तो वही बात होगी, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। हद है यार। अच्छा मतलब दिनेश। मैंने छोरा बोला है, छिछोरा नहीं बोला मैंने। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पे नजर दो। हाँ ये तो मैं भूल ही गई। ये मैं दाढ़ी पे चमकने वाला तेल लगा के आता हूँ, दिनेश के लिए लगा के आता हूँ। तुम्हारे लिए लगा है, समझती नहीं हो तुम। याद आया, मैं तो भूल ही गई थी कि आप भी गाते हैं। या मैं मॉडल भी हूँ। हाँ, ये दे मेरी राइट प्रोफाइल, ये मेरी लेफ्ट प्रोफाइल। लेकिन प्रोड्यूसर ने ये भी कहा है कि कोई फेमस बॉलीवुड सिंगर चाहिए। ओ, उसको मैं मालदीव जाके संभाल लूंगा। तुम फटाफट तैयारी करो, मुझे बिकनी भी लेनी है। बिकनी है? बिकनी तुम क्यों लोगे? बिकनी तो लड़कियां लेती है। तो तुम्हारे लिए लेनी है, मैं जाके वहां पे डॉल्फिन थोड़ी ना देखूंगा। चलो चलो चलो, रेडी हो जाओ फटाफट। हेलो, यस सर। हाँ हाँ, मैं यहीं पे हूँ, आ जाइए, बस आगे लेफ्ट लीजिए। हाँ मैं यहीं पर हूँ। प्रोड्यूसर यहीं पर आ रहा है, आई होप उसे हमारी केमिस्ट्री अच्छी लगे। Hello! Hello! How are you doing, एक मिनट, ओए ओए ओए, बर्फीले भालू, ये क्या हो रहा है? तुमको गलत समझ रहे हैं, ये हमारे वहाँ ऐसे हाय हेलो करते हैं। हमको भी अपने उधर लेके जाओ, हमको भी ऐसे मिलना है। अच्छा, मिलते मिलते सूंघते क्या तुम लोग? ये हमारे प्रोड्यूसर हैं। हाँ। इन्होंने मेरे वीडियो पे पैसे लगाए हैं। अच्छा अच्छा, इस उम्र में तो फिर पैसे ही लगा सकते हैं आप। मेरा मतलब दिल थोड़ी ना लगाएंगे इस उम्र में आप। हेलो मिस्टर, मैं प्रोड्यूसर है EMI, मतलब ईश्वर मनोहर ईरानी। वाओ, आर यू इंडियन? या मैं इंडिया में ही पैदा हुए थे। मैं जब 40 दिन के थे, बड़े होने के लिए मैं फॉरेन चले गए। इधर बड़े नहीं होने दे रहे थे आपको? गजल। Why are we wasting time? Time is money and money I don't want to waste. तुमने सिंगर ढूंढे? सर इनसे मिले, ये है सिंगर। ये सिंगर है। What is your name, सिंगर? कपू शानू नारायण। Oh my God! शानू नारायण तो नहीं सुने, कप्पू नहीं सुने कभी। कप्पू मेरा स्ट्रगल के दिन जब चल रहे थे तो कप्पू था, तो उस समय लोगों ने ज्यादा सुना नहीं। फेमस होने के बाद शानू नारायण इज वेरी फेमस। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे कौन से गाने गाए हैं तुमने? अरे मैंने बहुत गाने गाए, वो आपने सुना होगा, चांद सिफारिश जो करता हमारी। हाँ। देता वो तुमको बता। ये गाने जहाँ तक मुझे याद है, ये गाने तो शान ने गाए। शान का देखिए, गाना मेरा था, गाया शान ने है। क्या हुआ, मैं स्टूडियो में गा रहा था, शान स्टूडियो के बाहर परेशान बैठा था। मैंने कहा तुम शान अच्छे लगते हो, परेशान अच्छे नहीं लगते, मेरा गाना तुम ले लो। उसने गा दिया उस हिसाब से, तो मैं है मैं ही हूँ। Wow, so kind of you. तुमने अपने गाने उसको दे दिए। या मैं दे देता हूँ। तुमने अपने पास कौन से गाने रखे हैं? मेरा वो आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर था, केसरिया तेरा इश्क है पिया। वो गाने तो अरिजीत ने गाए हैं, मुझे पता है। ये बाहर पला बड़ा इधर। देखिए उसका जो अरिजीत का केसरिया तेरा इश्क है पिया, उसका पिया हस्बैंड वाला पिया, मेरा पिया सच में पिया हुआ था। आप एक मेरी बात बताओ, आप दो अलग अलग गाने हैं, आप पीते हो? No, फिर आप कहाँ समझोगे? आप देखो, आपने उदित नारायण के बारे में सुना है? उदित नारायण, ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे किधर से, वो वाले? हाँ। नहीं वो नहीं सुना। तो फिर तू चीज बढ़िया मस्त मस्त। हाँ। वो मैंने गाया। मुझे मालूम है, वो सुनील शेट्टी की फिल्म के गाने हैं। उस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह अंधे बने थे, उसमें अक्षय पुलिस वाले थे, रवीना टंडन भी थी। मुझे मालूम है फिल्म का नाम मोरे। What are you talking about?
हम लोग 40 साल बैठे, हमको इतनी नॉलेज नहीं है। तुम कहीं अनु कपूर को चाट के तो नहीं आए? इतनी नॉलेज? देखो, मुझे तुम्हारी बात पे भरोसे नहीं हो रही। मुझे लगता है उनको आप पे डाउट हो गया कि आप किसी और के गाने गा रहे हो। तो धीरे नहीं बोल सकती? मैं मालदीव जाने का प्लान कर रहा हूँ, तू सारा काम चौपट करते है। अच्छा, इसीलिए आप फेंक रहे हो? हाँ। सर, आपको पता है ये बहुत फेमस है, इन्होंने तो बहुत फेमस फेमस गाने गाए। आपने वो गाना सुना है? मेरे हाथों में नौ-नौ चूड़ियां हैं, वो गाना भी इन्होंने गाया है। वो गाना ये कैसे गा सकते हैं? वो तो लेडीज की आवाज में गाने हैं। हाँ हाँ, ये आप उन्हीं से पूछिए। कैसे गाए हैं तुमने वो लेडीज आवाज में? झूठ बोलना भी नहीं आता। देखिए, वो गाना एक्चुअली क्या है, वो जब मेरे हाथों में उन्होंने जुड़े मैंने गाया ना, उस समय मेरी मूछें नहीं थी। फिर जब मेरे मूछें आ गई, पापा कहते अब तुम अच्छे लगते लेडीज आवाज में गाते, अब तुम जैन गाना गाओ। एक मिनट, ये मूछ के लेडीज गाने के साथ क्या लेने देने? क्या लेने देने भाई? उदित जी के मूछें हैं, अलका जी के नहीं है। उदित जी अलका जी के गाने नहीं गा सकते क्योंकि उदित जी के मूछे हैं। अलका जी उदित जी के गाने नहीं गा सकते क्योंकि अलका जी के मूछे नहीं है। तो गाना तो दोनों एक दूसरे का गाना चाहते हैं, लेकिन मूछ सिर्फ एक के है। ये काफी है कि और समझाऊं मैं आपको? देखो, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब हमको मालदीव जाने को लेट हो रहा है, आप सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके, ठीक है, मैं मान गए हैं। वेरी गुड कप्पू, अब तो सबको मना लेते हो। पता है, ये अपनी वाइफ को भी ऐसे मना लेते हैं। वाइफ? तुम शादी शुदा है, तुमको मैंने बोले थे मुझे मैरिड आदमी नहीं चाहिए, कैंसिल डील, कैंसिल। एक मिनट, किसने कहा मैं शादी शुदा हूँ? अभी इसने कहा तुम वाइफ को मना लेते हैं। इधर आओ तुम, एक भी झूठ नहीं ढंग से बोला जाता। वाइफ मेरे फूफा जी का नाम है। वो मेरे से बहुत नाराज होते हैं। फूफा जी के नाम वाइफ कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बुआ का नाम हस्बैंड है ना यार। हम मालदीव जाने को लेट हो रहा है हमको। नहीं नहीं, मालदीव जाने के पहले मैं तुम दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखना चाहते हैं कि तुम दोनों गाना गाते वक्त वैसे बता दो कैसा, क्या देखना चाहते हो? जाके बताने का क्या है तुम्हारे दोनों की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब है। अच्छा, एक काम करो, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और मुझसे चेक ले लो। अरे दामाजी, ओ दामाजी, ये क्या हो रहा है? ये दामाजी क्यों बोल रहे हैं तुम्हें? कौन है ये? कौन है ये? ये इनके ससुर हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना शादी शुदी करनी बताना। तो मैंने शादी का कहाँ बताया, मैंने तो यही कहा कि आपके ससुर हैं। ओके, तो ससुर किसके साथ आता है? राशन के साथ। गजल, मुझे इधर सब ठीक नहीं लग रहे हैं, ये गाने में नहीं करेंगे। तुम शादीशुदा हैं तो आपको शादीशुदा से प्रॉब्लम क्या है? वीडियो में क्या मेरी मांग भरी हुई दिखाई देगी? क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मेरी वाइफ मुझे 2-3 बार छोड़ के भाग गई दूसरे के साथ। सो आई डोंट लाइक शादीशुदा। तुम दोनों ने मिलके मुझे झूठ बोले। अरे, मैं तुम दोनों को सू कर देंगे। आई विल सू बोथ ऑफ यू एंड आल्सो यू बुड्ढा। सू यू मैन, सू यू। तालियां आज की शाम के लिए। अर्चना जी, आज 1890 का मजा आने वाला है। आज 1890 हाँ, ग्लास ना आगे कर देना। 1890 के म्यूजिक की बात कर रहा हूं मैं, और उस दौर के मशहूर सिंगर जो आप सबके दिलों में बसते हैं, जिनकी आवाज आपके कानों में गूंजती है। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर शब्बीर कुमार। क्या बात है, शब्बीर साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। आज पहली बार आप हमारे शो पे आए हैं। आवाज सुन के वाकई ऐसा लगता है पर्वतों से टकरा के आ रही है आवाज। और क्या गाने गाए हैं शब्बीर साहब ने। हर दूसरी फिल्म में शब्बीर साहब की आवाज होती थी। आप देख लो, बच्चन साहब, मिथुन दास, सनी देओल, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, शत्रुघ्न सिन्हा, अनिल कपूर, गोविंदा साहब, कोई हीरो नहीं है जिसके लिए उन्होंने गाना ना गाया हो। सर, ये सारे एक्टर्स को आपकी आवाज सूट कर जाती थी क्या? सारे प्रोड्यूसर को आपका बजट सूट कर जाता था क्या? इसके पीछे राज क्या है? मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और आप सबका प्यार है, और खासकर अमिताभ बच्चन साहब जी, इनके लिए मैंने गाया और उनके गले पर मेरी आवाज सूट हो गई, उनके चेहरे पर सूट हो गई। तो ये मेरे लिए शायद प्लस पॉइंट हुआ है कि भाई अमिताभ के लिए जो गा सकता है तो उसको हम अपने लिए भी गवाएं। तो शायद ये वजह थी कि मैं आप सबकी दुआ से बिजी होता गया। क्या बात है,
तो सर कैसे, मतलब जैसे बच्चन साहब के लिए आपने पहली बार गाया, वो कैसे? सर ये ऐसा हुआ कि 1980 में रफी साहब का इंतकाल हुआ. अच्छा जी. तो उस दरमियान में बड़ौदा रहता था गुजरात, मेरी फैमिली भी वहीं थी, और मैं लाइव शोज के लिए बॉम्बे आता था, शोज करता था, चला जाता था. तो उस दरमियान एक शो हमने बनाया था, एक शाम रफ़ी के नाम. जी. तो उस शो की पॉपुलैरिटी इतनी हुई कि अगर 30 दिन में 50 शोज भी करें तो कम पड़ते थे. तो इतनी डिमांड हो गई, और ये सारी बातें उड़ती उड़ती फिल्म इंडस्ट्री में गई कि भाई गुजरात से एक लड़का आता है, उसकी आवाज़ मिलती जुलती है, रफ़ी साहब के करीब है. तो इस तरह इंडस्ट्री में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उनको पता चला, मेरे पास एक कॉल आई, तो मैंने कॉल रिसीव किया, तो बताया कि भाई हेलो, मुझे शब्बीर कुमार से बात करनी है. मैंने, आप कौन साहब बोल रहे हैं? बोले मैं लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ. मैंने, कौन लक्ष्मीकांत? बोले म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लक्ष्मीकांत. मैंने, सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, प्रणाम सर, आपने कैसे मुझे याद किया? बोले हम चाहते कल आप यहाँ पर बॉम्बे आ जाइए. अच्छा जी. मुताबिक मैं उनके बंगले पे पहुँचा पारस मई पे, तो लक्ष्मी जी अकेले बैठे हुए थे. बोले अब तक तो आप रफ़ी साहब के गाने स्टेज पे गाते रहे हैं, और रफ़ी साहब के गाने गाने के लिए उनका मार्गदर्शन आपको मिलता है, अगर कोई फ्रेश गाना मिले तो आप कैसे गाएंगे? तो मैंने बोला, सर मुझे तजुर्बा तो नहीं है, देखिए कोशिश कीजिए आप. मैंने पेन और पेपर मुझे दिया, और बोले लिखिए आप. अच्छा. कि मुझे पीने का शौक नहीं, हाय हाय, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को पीता हूँ गम भुलाने को. ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए बताओ मैं आपकी ट्यून. फिर उन्होंने मुझे ट्यून बताई. प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां शब्बीर साहब के लिए. सर बैठने से याद आया, कोई आपको ऐसी मिली है कभी लाइफ में जो आपकी आवाज सुन के उधर ही बैठ गई हो? बोलती हूँ कि जाऊंगी तो आप ही के साथ. के गाने ऐसे याद है ना हमें. बिल्कुल. कोई ऐसी आपको मिली सर जो पागल हो गई आपकी आवाज के पीछे? बहुत से ऐसे वाकयात हुए मेरे साथ. कई बार मैं गाड़ी, मेरी कार जाती है तो कार को चूम लेते थे. पर जब लड़कियां ऐसे कार को चूमती थी, आपके मन में अंदर क्या चलता था? ये चलता था कि कार रोक के शीशा नीचे कर, कार को बॉडी ना होती. और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ 90s के एक और फनकार को. उन्होंने जब ये गाना गाया ना कि तुम तो ठहरे परदेसी, तो देश क्या परदेश में फेमस हो गए. आप सबकी जोरदार तालियां, बहुत बहुत स्वागत है आपका. जोरदार तालियां अल्ताफ भाई के लिए हो जाए. और मैं आपको ये बता दूं, ये गाना तो सबकी जुबान पे है ही, पर ये जब एल्बम आया था तुम तो ठहरे परदेसी, इतना क्रेज था कि रातों रात 10 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी थी, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया. क्या बात है. और ये सच्ची में ये कवाली इतनी फेमस हो गई ना, 90s में जितनी शादियां हो रही थी ना, उनके पीछे ये गाना लगा देते थे, चाहे सिचुएशन पे सूट कर ही ना रहा हो. दुल्हन जयमाला लेके आ रही है ना, तो और पीछे लगा तुम तो ठहरे परदेसी, और दुल्हन दूल्हे को देख के शक करने लगती थी, भाग तो नहीं जाएगा सुबह ये. और हर शादी में इनका गाना बजा, एक ही शादी में नहीं बजा, वो इनकी खुद की. तो लोगों की शादियां करवाते रहे, आप अपनी करनी भूल गए भाई. मैं अभी बच्चा हूँ और बैचलर हूँ. हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है. और हैप्पी बैचलर. वेरी गुड. अल्ताफ भाई कितने चमक रहे हो आप, कसम से ऐसा लगता है सारी रात पानी में भिगो के रखा है, अभी अभी छिलका उतारा किसी ने, इतना चमक रहे. आइए प्लीज विराजमान हो जाइए. अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, कमाल की इंडी पॉप सिंगर हैं, जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम सुनीता राव. वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. एंड हेलो यू. आइए विराजमान हो जाइए. अभी आपके आने से पहले अल्ताफ भाई बोले थे आई एम वेरी हैप्पी बैचलर हैप्पी. अभी आपको देख के सोच रहे थे काश मैं भी शादी कर लेता. अल्ताफ भाई कैसे, अच्छा लग रहा है? सुनीता जी आ गई अब आसपास, अब ग्लैमर. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स वंडरफुल टू बी विद अभी जी एंड अल्ताफ जी, थैंक यू सो मच. और मुझे अर्चना जी के बारे में कुछ कहना है, मैं कहूँ? प्लीज. आई डोंट नो व्हाट इट इज. आई एम बिटन बाय द एक्टिंग बग. आई लव एक्टिंग, बट आई लव्ड इट व्हेन आई वाज इवन वेरी वेरी स्मॉल. आई वाज 15-16. आई डिड अ स्क्रीन टेस्ट. अच्छा जी. वो रोल मुझे नहीं मिला, अर्चना जी को मिली. है? Which one? हाँ, जलवा. Oh, आपको पता भी नहीं था, देखिए जोरदार तालियां. क्या बात है. मुझे पहले लगा था आप सिर्फ कुर्सियां छीनते, रोल भी छीने आपने. तो अब मैं बुलाता हूँ एक और जबरदस्त इंडी पॉप सिंगर को, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम श्वेता शेट्टी जी. मैम बहुत 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 स्वागत है आपका, और आप बहुत प्यारी लग रही. आइए विराज,
अल्ताफ भाई बीच में ये फील्डिंग करके बैठे हो आप. थैंक यू. अब देखिए चमक आई अल्ताफ भाई की. जोरदार तालियां हो जाए हमारे चारों मेहमानों के लिए. एक्सीलेंट. अरे श्वेता मैम ने एक से बढ़ के एक गाने गाए हैं. आप सब ने गाने सुने हैं. जैसे एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था रुकमणी रुकमणी. हाँ. शादी के बाद क्या क्या हुआ कौन जीता कौन हारा. ये जब गाना आपको ऑफर हुआ तो आपको शक नहीं हुआ कि ये गाना ही है कि किसी का स्टिंग ऑपरेशन करना है. आप पूछ रहे कि रुकमणी रुकमणी शादी के बाद क्या हुआ. रुकमणी क्यों बताया भी क्या हुआ. कैसा रहा मैम एक्सपीरियंस आपका रहमान साहब के साथ गाने. पहले तो रहमान इतने मशहूर नहीं थे जैसे यू नो 90s में तो वो नए थे. मेरा डेब्यू था बाबा सैगल का डेब्यू था. तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने ये लिरिक्स पढ़े ऐसे हे भगवान ये कैसे लिरिक्स है. और 90s में हम लोग थोड़े कंजर्वेटिव थे जी. सो वी बाबा एंड माई सेल्फ हम दोनों यू नो गाना पड़ा हम लोग को. लेकिन इतना बड़ा हिट होगा वी डिडंट इवन थिंक अबाउट इट. वाओ बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग था. अल्ताफ भाई जो है आप उनके जितने भी गाने देखे होंगे आप देखना स्क्रीन पे हमेशा दिखते थे. मॉडल अलग से होता था और अल्ताफ भाई अलग से दिखते थे. कोई तो ये भी कहता था कि मॉडल से पहले मेकअप करके ये पहुंच जाते थे. तो अल्ताफ भाई आप ये चाहते थे कि लोगों को आपके गाने तो याद हो ही हो आपका चेहरा भी याद हो जाए. ये म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो हमारे जो चंपक जी थे जी चाहते थे कि लोगों को पता चले कि क्योंकि म्यूजिक वीडियो जी देखा जाए तो सिंगर के लिए ही बनता है. राइट. लेकिन मैं पूरा फीचर नहीं होता था. लेकिन मेरी कोशिश ये रहती थी कि वो जो वीडियो डायरेक्टर रहते उनकी कहानी होती थी उसमें मॉडल जी तो वो दोनों को बैलेंस रखते थे कि भाई सिंगर भी बताएं और उनकी स्टोरी भी चले. तो इसलिए मुझे उसके अंदर फीचर किया. तो आप उनको ये भी बोलते थे मेरा ये प्रोफाइल रखो इधर मेरा डिम्पल पड़ता है. अभी इतने शरारती लग रहे थे अभी दोनों महिलाओं के आते एकदम सोबर. नहीं वो तो कुदरती है ना. शबीर भाई आपने एक तो चश्मा लगा रखा मुझे ये नहीं पता चल रहा आप इस तरफ देख रहे हैं कि इस तरफ. शबीर भाई ने जब 80s में गाना शुरू किया ना तब रेडियो में आपको पता ही है सबको गाना सुनने को मिलता था कि अगला गीत फिल्म बेताब से जिसका संगीत दिया आर डी बर्मन और गीत लिखा है आनंद बख्शी आवाज दी है शबीर कुमार आइए सुनते हैं. ऐसी अनाउंसमेंट आती थी ना आवाज सब पहचानते थे. तो जब 80s के बाद 90s में ये वीडियो का दौर शुरू हुआ शबीर सर जी तो आपके मन में नहीं आया कि यार ये दौर 80s में भी अगर आता तो मैं भी खुद जाकर रोमांस करता जैसे अल्ताफ भाई कर रहे थे अपने गानों में. अच्छा आपके गानों में बच्चन साहब रोमांस कर रहे थे. आपके दिमाग में आता तो होगा कि 10% तो मुझे मिलना चाहिए टीडीएस. दरअसल वो दौर इतना अच्छा था क्योंकि स्ट्रगल का दौर था जी. और एक शेर मुझे याद आ रहा है जी बशीर बद्र साहब का ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं. वाह ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं. अरे तूने मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा. क्योंकि ये बिना गीत माला का आप जिक्र कर रहे हैं उस जमाने में मेरे यहाँ रेडियो नहीं था. अच्छा जी. और गाने का सुनने का शौक था तो हमारे घर के सामने एक डॉक्टर रहते थे. अच्छा जी. तो उनके वहाँ रेडियो था और पूरे मोहल्ले में 2-3 घरों में रेडियो हुआ करता था. तो वो लोग बड़े अमीर माने जाते थे. तो मैं भाग के वहाँ जाता था सुबह सुबह उठकर और उनकी दीवार पर कान लगाकर गाने सुनता रहता था. ओह माय गॉड. तो वो लुत्फ सब कुछ और ही है. Actually. उसके बाद ये दौर जो आया है ये दौर की बात कर रहे हैं जी. तो मेरा जो बचपन जो गुजरा है मेरी परवरिश जो हुई है घर में बचपन से आफ्ताब से तमीज से बात करना होता है एक दूसरे का. और आप गाली नहीं बोल सकते. तो मुझे याद नहीं है कि मैंने साले से बड़ी गाली बोली हो. अच्छा मुझे याद नहीं है. तो इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे मर्द फिल्म का एक गाना मिला जी. और उसके गाने के बोल थे कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला दिल भी है तेरा काला और उसमें बोलना जा साला. तो साला बोलना तो क्योंकि मैं हर गाना रिकॉर्ड जो करता था घर वाले चाहते थे कि भाई तुम गाना गाने के बाद उसको ट्रांसफर लेकर आया कीजिए तो हम सुने तुमने क्या गाया आज. अब ये गाना जब आया कि साला बोला हूँ मैं तो आप यकीन कीजिएगा जब जब भी साला आया उसमें थोड़ी अब मेरी झिझक आपको नजर आएगी. पर वो वाकई दौर का बड़ा उसका मजा था. लिमिटेड प्रोग्राम्स होते थे जो न्यूज़ पढ़ने आते थे वो भी सीधे सीधे न्यूज़ पढ़ते थे. कोई ड्रामेबाजी नहीं कोई कुछ नहीं. मुझे याद है हमारे ना नया नया केबल आना शुरू हुआ तो शोले फिल्म कैच हो रही थी तो हेमा जी का गाना चल रहा और हेमा जी क्योंकि वो अगर एंटीना आपका टेढ़ा हो जाता था ना तो हीरो हीरोइन भी टेढ़े हो जाते थे ना. तो गाना चल रहा है और हेमा जी ऐसे नाच रही हैं फिर जाके एंटीना घुमाया करते करते हेमा जी सीधी हुई. पर इतना मजा आता था झिलमिल आ रहा है स्क्रीन पे फिर भी हम बैठ के देख रहे हैं. अब इतने सारे चैनल्स हो गए हैं ले दे के एक ही प्रोग्राम बचा है कपिल शर्मा जो बाकी
हमारी अपनी प्रमोशन. सुनीता मैम, जब आपका गाना आया परी हूं मैं, हाँ जी, इतना पॉपुलर हुआ, हम टीवी में देखते रहते थे कि लड़की भाग क्यों रही है, निकल जाती थी ना, परी हूं मैं, दूसरे कमरे में निकल गई. आपके पीछे पीछे कोई आया परा, कोई ऐसा? बिल्कुल. जिसने आपके आपको बोला हो कि आप परी हो, मेरी एक विश पूरी कर दो, मैं आपके से शादी करना चाहता हूँ? ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एक गुमनाम अजनबी था. अच्छा. जो एक साल के लिए पहले तो उन्होंने एक छोटी सी गिफ्ट दी मुझे बैक स्टेज. मैं कुछ म्यूजिकल के लिए साउंड चेक कर रही थी. अच्छा. मैं थोड़ी सी उदास थी और किसी ने मुझे एक बहुत ही सुंदर बटुआ दिया. उसमें एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट था. अच्छा. और उसमें एक छोटी सी कुछ लिखा था उसने ना, हैव अ गुड शो. लेकिन तब से एक पूरे साल के लिए I kept on receiving these gifts from this stranger, and I think he was a traveler and a theater person. वो तो मतलब क्योंकि गर्शविन थिएटर से कुछ मुझे गिफ्ट्स मिलते थे या कुछ special clothes. And तो मैंने उसके उनके बारे में मैंने इंटरव्यूज में बहुत बात की कि अपने आप को दिखाइए, मैंने show me, you know. अच्छा. But I couldn't find him. तो मैंने गाना भी लिखा उसके बारे में, गुमनाम अजनबी. अच्छा. एक दिन मुझे एक नोट मिला, I heard you were getting married. अच्छा. Have a good life. आपके पीछे पड़ा कोई क्रेजी फैन ऐसा? इसके लिए तो सब दीवाने, दीवाने तो दीवाने हैं. नहीं, 90s में हुआ करते थे, लेकिन आजकल के फैंस ऐसे नहीं थे. वो बहुत ही डिसेंट थे और बहुत ही शर्मीले थे और बैक स्टेज आते थे और यू नो पोएट्रीज लिखते थे, पेंटिंग्स करते थे. इट वाज लवली. इवन द मीडिया कि 80s 90s में जो मीडिया भी था वो बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे पूछते थे क्या तस्वीर ले लें. बिल्कुल. अभी तो देयर इज परमिशन. आजकल अगर आप फैंस के साथ फोटो लेना तो ऐसे करते. जब से शो शुरू हुआ है शबीर भाई के चेहरे पे अब मुस्कुराहट आई है. और मैं श्वेता जी के बारे में आपको बता दूं कि ये परफॉर्मर तो अच्छी हैं, ये योगा भी बड़ा अच्छा करती हैं और शिल्पा शेट्टी शमिता शेट्टी के रिश्तेदार भी हैं. हाँ. तो मेरे को एक बात बताओ, ये शेट्टी लोगों के अंदर योगा इनबिल्ट होता है कि शेट्टी समाज सिखाता है आपको? मेरे ख्याल से सुनील शेट्टी भी यू नो इज अ फैमिली फ्रेंड. हाँ. और मेरे ख्याल से हमारा खाना इतना फैटी नहीं है जैसे आपका बटर और यू नो व्हाट, सरसों का साग, यू नो व्हाट आई मीन. अगर आप पराठा खाते रहे हर दिन तो आप ही थोड़ा यू नो वजन बढ़ता. हम तो साग इतना खाया बीच में मेरा मुंह हरा हो गया था. लेकिन आप भी बहुत फिट है, मैंने आपके इंस्टाग्राम में देख रही हूँ, बिल्कुल सिक्स पैक मसल्स एंड ऑल. योगा मेरे लिए एक बहुत ही महत्व चीज है क्योंकि योगा मुझे थोड़ा शांत कर देता है. शबीर भाई आपका क्या कहना है इस बारे में? योगा के बारे में? सर मैं बरसों से सोच रहा हूँ कि योगा करूँ. मैं आपको सिखाऊंगी. अच्छा अल्ताफ भाई के गाने आप देखो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इतने पॉपुलर थे, बसों में ट्रकों में चलते थे. कोई बस में बैठा कंडक्टर से पूछ लेता ना दिल्ली कब आएगा, कहता था अल्ताफ राजा की सीढ़ी तीन बार चलेगी धौला कुआं उतरेंगे. भाई आपके गाने जो टूटे दिल वालों ने बड़े सुने हैं, और जिसका दिल टूटा है वो पीवी के बैठ जाता है पौनी बोतल. जी. तो किसी ने पौनी बोतल पी के आपको परेशान किया है कि बार बार सुनाओ, या फिर जब थोड़ी सी उतरी हो फिर बोला हो एक किशोरदा का हो जाए? एटलांटा के अंदर मुझसे छह बार एक आदमी ने सुना तुम तो ठहरे परदेसी. अच्छा. अब अगर 15 मिनट का सॉन्ग है उसको मैं थोड़ा एडिट भी करूं, 10 मिनट्स का तो पूरा एक घंटा हो गया छह बार. तो ऐसे ऐसे भी फैन मिल जाते. तो आप उसी की क्यों सुन रहे थे? पेमेंट उसने दी थी? मतलब ऑर्गेनाइजर का आदमी था. ऑर्गेनाइजर का आदमी था. हमारी 80s 90s की खूबसूरत आवाजें. नमस्कार. क्या लेंगे आप? क्या लेंगे तो क्या ऑप्शन कोई है तेरे पास पॉपकॉर्न के अलावा? अगर वो बोल देंगे हम 3 BHK लेंगे महालक्ष्मी में तो क्या करेगा? जा यार. देखो जो मेरे पास मैं वही दे सकता हूँ. सीधी बात है, मैंने तो वैसे प्यार से पूछा है. सर क्या लेंगे आप? ये पावर नैप लेंगे दादा. आप चाहो तो 10 मिनट सो भी जाओ, चश्मा लगा हुआ पता नहीं चलेगा किसी को, ये चला जाएगा मैं आपको उठा दूंगा. ये आपका दिमाग खाएगा अभी. यार क्यों उठाओगे तुम, क्यों सुलाओगे? वो अपना कीमती समय निकाल के मुझसे मिलने आए हैं. हाँ अच्छा. हाँ. अरे वो कितने साल की होगी, मैं पूछना ही भूल गया. कौन? वो जो तुमने गलत फहमी पाली हुई है. तुझे क्या लगता तुझे मिलने आए वो? ये हमारा कॉलेज का दोस्त है मैडम, ये चलता है. क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है शबीर भाई, ऐसे मेरे से बात करता है. क्या मैं आपका एक गाना इनको डेडिकेट कर सकता हूँ? प्लीज प्लीज. हाँ हाँ. अपने दिल से बड़ी
दुश्मनी थी, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की। मुझे भी शबीर भाई का गाना याद आ गया कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हमारे दोस्त इधर पड़े रह जाते हैं। इसीलिए हम आपसे मुंह नहीं लगाते हैं। लेकिन मैं वैसे बताना चाहता हूँ, मैं ना मतलब 80s 90s का दिल से डाई हार्ड फैन। मुझे उस समय की लड़कियां शर्मीली होती थी ना, घूंघट निकाल के रखती थी, सामने वाले का चेहरा भी नहीं देखती थी। अब लड़कियां मुंह देख लेती हैं, मना कर देती हैं। इसको अपना रियल टैलेंट नहीं पता है कबीर भाई जी। ऐसा ये, ये, ये मुंह दिखा के बिना इंटरेस्ट के तुझे लोन मिल सकता है, पता है तुझे? Seriously? कपिल जी आपको बहुत प्यार करते हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। क्या बात है, आप झूठ भी बोलती हैं। करने क्या है इधर? I have a big business project for you. Proposition. Yes, yes, yes. आप इंटरनेशनल फैंस हैं आपके, तो मैं आपका ना एक वर्ल्ड टूर प्लान करना चाहता हूँ। खुद तो कभी मेरठ नहीं गया। इनका टूर प्लान करेगा। नहाना है तो नदी में आओ, नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है? नहाना है नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है? प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा है? जैसे आप यहाँ पर महंगे गेस्ट आते हैं ना सर, ये मेरा है सुपर इटॉकिस, तो यहाँ पर ना थोड़े सस्ते वाले गेस्ट मेरे पास भी आते हैं, लेकिन आपके वो बहुत अजीज हैं। अगर डुप्लीकेट होते हैं सर इसके सारे गेस्ट, अगर आपकी इजाजत हो बुला लूं। बुलाओ जी जी, आइए सर। परेली, ये परेली का अंडरटेकर। नहीं नहीं नहीं, कोरिया की चुड़ैल। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे तेरे जात का पैदा मारू। क्या बात क्या बात क्या बात दादा, आज बता ही दो क्या बात। दादा आपकी पेंट धीरे धीरे नीचे जा रही है। शब्बीर जी कैसे हैं आप? आपने मेरे लिए गाना गाया था ना, बहुत ही अच्छा था। कौन सा? जिहाल मस्किन मुकुन बरंजिस बेहाल हिजरा बेचारा दिल है। बहुत अच्छा गाना, मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। अच्छा आईश। अरे कोबरा है कोबरा, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। सनी तोल का डायलॉग है। अरे इसका नाम भी सनी है रे। ये ले रख ले राजू। ए, क्यों? अब तेरी एंट्री में फन ही फन होगा। वैसे मेरा ऊटी में बहुत बड़ा होटल है और आप लोग बहुत लाइव शोज करते, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए लाइव शोज करें। दादा आप भूल रहे हैं, आप नकली हैं, वो असली हैं, बहुत महंगे सिंगर्स हैं वो। अरे पैसा बोलना। 35-40 लाख लेंगे बस। 50 लाख दे देना बस। 1 करोड़ दे देना। अबे बस कर, बोल रहा हूँ पैसा नहीं है। बड़ी देर से वो बात नहीं बोली, मुझे समझ नहीं आप क्या क्या। जियाल मस्किन मुकुन बरंजिस बेहाल हिजरा बेचारा दिल है। 3-4 बार पहले बोल चुके हो आप, तो तू बोल के दिखा। अरे दिखा ना तो। हाँ बोल बोल, बोलता क्यों नहीं है? अरे मत शर्मा। एक तो तेरी टाइमिंग खराब थी, मेरी भी खराब कर दी। हाँ बोल के दिखा। हाँ जी हाले मस्की मकुन बरंदिश बिहार हिजरा हमारा दिल है। ऐसे नहीं। हाँ हिल के बोल के दिखा। जी हाले मस्की रहने दे रे मकुन बरंदिश। ओए आगे भी तुम्हारा ऐसा ही है जो सुना रहे हो, वैसी टाइप की चीजें। भाग यहाँ से। हाँ यही तो चाहिए। मैम आप सोशल मीडिया पे कभी कभी फोटोग्राफ्स डालते हैं ना अपने फैंस के लिए? हाँ। तो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, मैं चाहूंगा कि आप कुछ फोटोग्राफ्स वहां पे देखें। जी दिखाइए जरा। ये अल्ताफ भाई ने फोटो डाला है
अल्ताफ राजा लाइव एट नजीबाबाद और पीछे फिरंग ये अल्ताफ भाई पीछे फिरंगी लड़कियों की खड़ी है गाने तो आपके हिंदी हैं वो परदेसी है ना लव इसलिए परदेसी तो एक हुआ ये एक दर्जन क्या कर रही है पीछे आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं इनका मन तो कर रहा है पीछे मुड़ के गाए लेकिन ऑडियंस के चक्कर में सामने देख के गाना पड़ रहा है और दिखाइए श्वेता शेट्टी जी ने ये फोटो डाला है ओहो योगा करते हुए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं हम आप योगा कर रही हैं या फंस गई हैं लगता है इनके पास इंच टेप नहीं है ऐसे टेबल का साइज ले रही हैं ताकि इसका कवर खरीद सके मैम ये श्वेता जी कौन सा आसन है ये वाला ये I don't know. Are you sure it is not Photoshop, no? No, Photoshop बिल्कुल नहीं. और देखते हैं इसको योगा ना समझे ये पोजीशन कॉकरोच के आने पे हर लड़की बना लेती है और दिखाइए ओहो शबीर भाई ने ये फोटो डाला है सलमान भाई के साथ ए हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग हैप्पी बर्थडे सलमान मे यू लिव टू सी एटर्नल इयर्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस हैप्पी बर्थडे सलमान खान आइए कमेंट्स देखते हैं सलमान के साथ बैठ के भी दूसरी तरफ देख रहे हैं लगता है दूसरी तरफ जयाप्रदा निकल रही है एक्टर को ही पता होता है कैमरा कहाँ है शबीर जी तो रसोई की तरफ देख रहे हैं नान कब आएंगे और दिखाइए ओ सुनीता गोवा गोवा में इतने सारे आ क्यों डाले आपने या एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है ये आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं आप इसे बिछा के ताश भी खेल सकती हैं लगता है इनकी कोई सहेली अंदर बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है और ये बाहर खड़ी होकर ध्यान रख रही है और दिखाइए अल्ताफ भाई ने फोटो डाला वे बैक टू मुंबई फ्रॉम पटना डेट भी लिखते हैं आप दिखाइए कमेंट्स नीचे आपको सूट में देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को टारगेट पूरा करने पे कंपनी ने फ्लाइट की टिकट दी हो जिस फ्लाइट में एयर होस्टेस एक ही बोतल से पानी पिलाती है उसमें फ्री की कॉफी मिल जाए तो बंदा ऐसे ही मुस्कुराता है और दिखाइए इन्होंने एयर होस्टेस से फोटो खींचने के लिए कहा अब सेंड करने के बहाने अपना नंबर दे देंगे और उसका ले लेंगे मैंने नहीं दिया उसने मांगा था चलो नंबर तक चेंज हो गया ना और दिखाइए श्वेता जी ने फोटो डाला है थैंकफुली डिफरेंट काइंड ऑफ मास्क ऑन हाँ ये तो वो जो कोविड के टाइम पे था ना ओके आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं मेकअप से रिलेटेड एक फनी बात बताऊं हाँ मेरी बीवी का वजन 62 किलो है लेकिन मेकअप के बाद वो 65 किलो की हो जाती है और कमेंट्स दिखाइए शब्बीर सर ने ये फोटो डाला सडनली गॉट ए कॉल फ्रॉम नितिन मुकेश जी आज .. ईद के मौके पर गले मिलना चाहता हूँ कुछ लोग और उनके जज्बात कभी नहीं बदलेंगे वाह बहुत अच्छी फोटो है शब्बीर भाई आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं दोस्तों से मिलने के लिए ईद का इंतजार नहीं करना चाहिए जब भी मुफ्त की बिरयानी खाने का मन हो चले जाओ सर प्लीज मुकेश जी से पूछ के बता दो कि वो कौन सी मेहंदी दाढ़ी पे लगाते हैं मेरे तो बाल नारंगी हो जाते हैं और दिखाइए खत्म अच्छा गुलामी फिल्म का जो गाना था जिहाले मस्किन मकुन बरंजिश बहारे हिजरा हमारा दिल है दादा 6 दिन लगे मेरे को याद करने में आपको पता है ये गाना इतना पॉपुलर हुआ सब जानते हैं लेकिन जैसे वो आजकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं ना जिसमें आप बोलते हैं हे रोजी कैन यू प्लीज प्ले दिस सॉन्ग तो अगर वो समझ में आता है तो ठीक है नहीं तो बोलती है आई डिडंट गेट इट ये गाना बोल के देखो आप हे रोजी कैन यू प्लीज मकुम्बा रंजिश बहारे तो कहती हैं दादा जब आपने ये गाना गाया आपको इसका मतलब पता था उस समय कि ये मतलब क्या है जिहाले मस्की मकुन बरंजिश बहाले हिजरा बिचार दिल ये अमीर खुसरो साहब ने लिखी हुई है अच्छा पर्शियन है ये बेचारा दिल है एक गरीब दिल है जिसने अभी अभी चोट खाई है
इसको मतलब हिकारत की नजर से मत देखिए आप. अच्छा, इसके साथ प्यार कीजिए, इसको रहने दीजिए. क्या बात है वैसे. आपको पता अभी जब G20 समिट हुआ ना, वहां पे भी जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आए तो सब बैठे हुए थे कि दुनिया को और बेहतर कैसे बनाया जाए. तो उन्होंने कहा वो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि जिहाले मस्किन मकुन बरंजीश का मतलब क्या है. तो क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग है दादा, वाओ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. शबीर सर, आपने राजकुमार साहब के साथ भी काम किया काफी लाइव शोज, मैंने सुना. वो तो बड़ी मजेदार पर्सनैलिटी थे, उनके साथ कोई जुड़ा कोई किस्सा जरूर बताओ, हमें मजा आ जाए. एक बार एक इत्तेफाक हुआ था मेरा कि मुझे साउथ अमेरिका में राजकुमार साहब के साथ काम करने का मौका मिला. उनके साथ लाइव शोज में मुझे लेकर गए. वो पहला शो सुरीनाम में हुआ. तो पहला शो करने के बाद अपने अपने होटल में पहुंच गए. मुलाकात नहीं हुई कि भाई कैसा हुआ शो, किसने क्या किया. दूसरे शो में गया ना मैं, शो चल रहा था तो मुझे राजकुमार साहब ने बुलाया अपने कमरे में कि शब्बीर को बुलाओ. तो मैं गया. तो सर आप मेरे साथ साथ देंगे आप? जी. शब्बीर, कल का प्रोग्राम कैसा रहा? मैंने सर बहुत अच्छी रिपोर्ट है शो की, आज कुछ हम चेंज करेंगे. जी सर, बताइए क्या करना है. आज आप ही राजा का गाना गाएंगे. ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं. अच्छा जी. जी सर बिल्कुल गाएं, लेकिन आप गाएंगे बैक स्टेज से. अच्छा. क्योंकि वो गाना स्टेज पर मैं गा रहा हूँ. मैं लिप सिंक करूंगा. अच्छा सर. तो ठीक है सर, लेकिन याद रहे लोगों को ये लगे कि ये गाना राजकुमार खुद गा रहे हैं. अब मैं ऐसा चुप कर. ठीक है सर. फिर मुझे कुछ याद आया. मैंने सर हीर राजा में आपका एक शेर आप पढ़ते हैं हीर के सामने. तो क्योंकि वो गाने से पहले आपको कैसे पता चलेगा मैंने गाना कहाँ से शुरू किया, तो वो शेर आप पढ़ेंगे कि तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं. मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, अब तुस्सा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं. और उसके बाद आप कहेंगे हीर तुम कहाँ हो, हीर तुम कहाँ हो, हीर तुम कहाँ हो. ठीक है, लेकिन आप स्टेज पे नहीं नजर आना चाहिए. तो स्टेज पे असरानी साहब ने उनको इंट्रोड्यूस किया कि अब आपके सामने आ रहे राजकुमार. हाँ. अच्छा, वो स्टेज पे जब गए तो पब्लिक का वेलकम, उनका प्यार सब और स्टैंडिंग ओवेशन जो पब्लिक ने उनको दिया, वो देख के बहुत खुश भी हो गए और वो भूल गए कि शब्बीर ने क्या कहा था मुझसे. अच्छा. और मुझे तो हिदायत दी थी कि स्टेज पे नजर नहीं आना चाहिए. हाँ. और वे खड़े रह के ले सर. अब क्या करना, क्या करना. देन उन्होंने खुद शब्बीर तुम कहाँ हो. कि पब्लिक ये सामने भी है, इस तरफ भी पब्लिक बैठी है, इस तरफ भी, और यहाँ से भी बोल रहे हैं कि राजकुमार साहब इधर भी आइए, हमारी तरफ भी आइए. अब वो एक ही जगह पे खड़े रह के गा रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. बैठी दादा. डायलॉग बादशाह थे, डायलॉग डिलीवरी देखे. वाह. अच्छा ये तो देखो, अगर आप सबके गाने आज में रिलीज हो तो इतनी सारी रील्स बने उस पे. जी. कि आजकल लोगों का मन लगने लग गया है. मैं अपने यहाँ पे जो दर्शक गण हमारे बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जो रीलों में बना के लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं, अच्छी बात है, बड़ा नया टैलेंट भी मिलता है, पर कई वैसे भी टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे. आपका क्या विचार है, क्या मत है कि ये सही है या गलत है? जी. हेलो कपिल. हेलो. हेलो मैम. हेलो एवरीवन. हेलो. मेरा नाम आरती सैनी है. जी आरती, बहुत बहुत स्वागत है आपका. जी. मैं राजस्थान चोमू शहर से हूँ सर. अच्छा जी. मुझे तो रील्स बहुत पसंद है. अच्छा. तो सर मैं इतना महंगा मेकअप लगा के कुछ अच्छी जगह के जाकर एक रील्स बनाती हूँ, और रील्स डालते ही मेरे पति की है ना खिचखिच शुरू हो जाती. कहाँ है आपके पति? आप दोनों इतने छोटे छोटे, आपने शादी कर ली? कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी एक साल हुई है शादी. अब रील दोनों साथ में बनाते हो आप? नहीं सर. नहीं बनाते? मैं बनाती हूँ, लेकिन ये बोलता है कि रील्स मत बनाया कर. सर इनको पूछो क्यों 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 मना करते हो? क्योंकि सर रील्स जब ये बनाती है ना, तो जो कमेंट्स आते हैं ना, कैसे कैसे लड़कों के कैसे कैसे कमेंट. अभी शादी हुई है, हमने इतना खर्चा करके इसको लेके आए, कोई भी कुछ. अपने नाम नहीं बताया अपना. श्री श्रीधर. श्रीधर कितना खर्चा हुआ टोटल? 25-30 लाख. 25-30 लाख.
ऐसा थोड़ी ना सिर्फ आप ही का खर्चा हुआ है, आप भी तो बारात लेके गए होंगे उधर। हाँ, तो उन्होंने कौन सा पानी पिला के भेज दिया होगा। आप भी तो खा पी के आए, उनका भी तो खर्चा हुआ ही है। एक बात और है कि हम लड़के जब कितनी भी रील बनाए और कितना भी फिल्टर डाले, बट हमारे ऊपर ऐसे लाइक कमेंट नहीं आते कभी। इसका तो कारण मैं क्या है मैं बता नहीं सकता आपको। वही ना, चोमू से हैं आप ना, चोमू से हैं ना। हाँ, मेरे चोमू के अजय देवगन। शुक्रिया ब्रदर चोमे आने के लिए, आप दोनों बहुत बड़े क्यूट हैं आप, गॉड ब्लेस, शुक्रिया। और कोई हमारे मित्रगण? जी जी मैडम। हाय एवरीवन, हेलो कपिल सर, मेरा नाम सीमा संघवी है और मैं यही मुंबई से कांदिवली से आई हुई हूँ। अच्छा जी। एक्चुअली मेरा बेटा है 24 साल का। क्या बात है? हाँ जी। वाओ, यू आर सो फिट मैम। थैंक यू सर। उसके साथ मैं जब भी रील बनाती हूँ तो उससे कमेंट आते हैं कि ये लड़की कौन है जो तेरे साथ है जो, पर सर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी बनाना पसंद ही नहीं है। हस्बैंड आए हैं आपके साथ? जी हाँ, मेरे साथ आए हुए हैं। अच्छा, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन कपिल, हाउ आर यू? गुड गुड सर, आपको पसंद नहीं है मैडम रील बनाती हैं? जैसे उसने बताया कि हम लोग कितनी भी रील्स बना देंगे तो हमको लाइक्स मिलेगी नहीं और उल्टा कुछ ना कुछ खामियां निकालेगी। आप भी महिमा चौधरी की फोटो लगा लो अपने डीपी पे। पर सर रील तो नहीं बनाते, ऊपर से देखिए ना, डाई भी नहीं करते हैं। सर आजकल का ये मुझे लगता है लेटेस्ट ट्रेंड है, हॉलीवुड एक्टर्स है या जो भी अपने बड़े बड़े स्टार्स है, रजनीकांत जी, अमिताभ बच्चन जी, मैं उनको ही फॉलो करता हूँ। ग्रो ओल्ड विद डिग्निटी ब्रो। या क्या है उसमें? ग्रे हेयर्स। तो ओवरऑल हम किस मुद्दे पे बात कर रहे थे? एक्चुअली रील ये बनाते नहीं है, इनको शौक नहीं है। तो क्या सोच रही है, पति चेंज करने का सोच रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्रिया मैम शो में आने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। और कोई हमारे मित्रगण? जैसे पीछे मैडम बैठी ना साड़ी में, बड़ी प्यारी लग रही है। आपने तो रील वील बनाई नहीं होगी कभी, बनाती है आप? आपसे बात कर रहा हूँ, कैसे आप? अम्मा जी किसके साथ आए? आपके साथ आए, बात तो कराओ, ऐसे मजा आता है यार। अम्मा प्रणाम, कैसे आप? अरे हटाओ अम्मा एक तो। सर इनको हिंदी बोलने नहीं आते, भोजपुरी। अरे भोजपुरी तो बड़ी प्यारी भाषा, कराओ ना बात। अम्मा कैसन बा? नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसन बा? ठीक ठाक बा। हाँ मेरे को इतनी आती थी, आगे कैसे बात करें। आप मुंबई में रहते हैं या घूमने आए हैं? मुंबई में। मुंबई में रहते हैं? हाँ। कितने साल हो गए मुंबई में आपको? एक साल। एक एक महीने से। एक महीना? हाँ। तो कैसा लगा आपको? आप कहाँ से आए हैं वैसे? यूपी, अयोध्या से। अयोध्या से? अरे वाह, अयोध्या नगरी से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा मुंबई, कैसा लगता है अम्मा आपको? अयोध्या में तो खुले खुले घर होंगे, खेतों में घूमने जाते होंगे। क्या मुंबई कैसा लगता है, सही से बताना। अच्छा लगता है भैया, अच्छा लगता है। जहाँ बाल बच्चे रहते हैं अच्छा लगता है। वो तो प्यार है, ममता है ना। और जो आपकी वो सहेलियाँ अयोध्या में, उनकी याद नहीं आती आपको? काहे नहीं याद आए भैया। आपकी मम्मी है का, आपकी सास है? सास। सास है। और ससुर आपके पीछे? वाह, यही होता है जब शादी को इतने साल हो जाए ना, ससुर कहाँ पे। तो आपके पति इतने दूर काहे बैठे हैं? अब नहीं बनती है। She's so cute. बहुत बहुत स्वागत है अंकल जी, कैसे आप? नमस्ते नमस्ते। अरे आप तो अम्मा से भी ज्यादा शर्मा रहे हैं। कैसे आप, ठीक है? अच्छे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अयोध्या अच्छा लगता है कि मुंबई? नहीं, अयोध्या अच्छा लगता है। अयोध्या ही अच्छा लगता है, अम्मा जी तो कह रही मुंबई भी अच्छा लगता है। अगर आपकी पत्नी इधर रहे मुंबई में, फिर क्या अच्छा लगेगा, मुंबई के अयोध्या? नहीं, अयोध्या अच्छा लगेगा। गांव में कोई सहेली तो नहीं है? नहीं, वही जहाँ पले बड़े हो आप, जहाँ पे बहुत सारा वक्त बिताया, वही शहर अच्छा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए, शर्माती बहुत अम्मा। वैसे कपिल भाई आपको पता है आपका ये शो क्यों इतना हिट है, बताइए आप मुझे। ऊपर वाले की कृपा है सर, क्या बोल सकते हैं, प्यार है लोगों का। आपकी मम्मी, अरे शी इज द लकी चार्म। शुक्रिया शुक्रिया सर, माँ तो मेरी। हाँ, और क्या, उनको देखता हूँ तो मुझे मेरी मम्मी याद आती है। मेरे साथ वर्ल्ड में कहीं भी जाता था, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ में रहती थी। वाह,
और क्या सर दुनिया में, यही तो है सब कुछ, ये सब दुआएं हैं जो इतना शो हिट होता है। मैं एक शबीर सर के बारे में किस्सा सुना कि जब ये पहली बार लता जी के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग रोक के चाय पिलाई शबीर जी को। क्यों शबीर दादा, उस समय सो गए थे आप बीच में? चाय क्यों पिलाई लता जी ने आपको? दरअसल वो किस्सा यूं है कि पहली बार मैं दीदी के साथ गाना गा रहा था। अच्छा जी। बेताब के सारे गाने मैंने दीदी के साथ गाए हैं, ये मेरा बहुत बड़ा जिंदगी का अचीवमेंट है। तो पंचायत ने कहा कि शब्बीर आज तुम किस साथ गा रहे हो? पता है? नहीं सर मुझे नहीं पता। लता दी के साथ गा रहा हूँ। वाह, तुम्हें शौक? मैंने कैसे हो सकता है यार, क्योंकि मैंने दीदी की आवाज़ दीवारों के आड़ में सुनी है बचपन में। वो मेरे सामने एकदम मेरे साथ गाने आ रही हैं। तो जब आए वो, उनके पैर छुए मैंने, और जब साथ में गाने खड़े हुए, मेरी लाइन आती थी तो मैं ये यकीन करने में जुटा हुआ था कि वाकई ये सच्चाई है कि अब डायरेक्ट में दीदी की आवाज़ मेरे कान में आ रही हो और दीदी के साथ में गा रहा हूँ। तो इस वजह से मैं अब खो जाता था दीदी की आवाज़ में। तो पंचम दा ने कहा कि अरे शब्बीर तुम्हारी लाइन है इसके बाद। तो हाँ जी जी, पंचम दा फिर से लगाइए। फिर वो ट्रैक लगाते थे, फिर मैं भूल जाता था। फिर दीदी ने समझा कि मैं झिझक रहा हूँ और था कुछ, तो उसने मतलब पंचम यहाँ आ जाइए, थोड़े 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग। फिर बैठे, फिर दीदी ने मुझसे कहा कि शब्बीर चाय पियेंगे? तो चाय मंगा दीजिए। मैंने ठीक है दीदी। तो उसे नॉर्मल मुझे किया बातचीत करते हुए, और उसके बाद पंचम को इशारा किया कि पंचम टेक करते हैं। तो ये हकीकत थी, तो इसलिए वो चाय और ब्रेड बटर टोस्ट बटर हो गया इसलिए। क्या बात है यार, बड़े लोगों की ये निशानी होती है, आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं। लता दीदी को हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, कंसर्ट की तैयारी हो गई? कोई बात नहीं, हारमोनियम ढोलक नहीं भी लेके जाओगे चलेगा, लेकिन गैस और चूल्हा जरूर रखना। हाँ, ताकि जैसे ऑडियंस में से अंडे टमाटर आए तुम पीछे फटाफट ऑमलेट बना लेना, क्योंकि मैं भूखे पेट परफॉर्म नहीं कर सकता। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, कोई भी कह दे, कोई भी कहे उस्ताद जी को भेंट देनी है, साफ मना कर दो। स्टेज पे 10 रुपए लेके आते हैं, 50 चांटे मारते हैं मेरे। हाँ उस्ताद जी इधर आइए, बैठिए आप। आपको जब पता है कि लोग आपको पीटते हैं तो, अरे मेरे को एक बात बताओ, जब आपको पता है लोग आपको मारते हैं तो आप क्यों करने जाते हैं अपने कॉन्सर्ट? हम वो कश्ती नहीं साहब जो डर के खड़ी रहे किनारे, और ये कभी बेहोश नहीं होते चाहे कोई कितने भी थप्पड़ मारे। वैसे आपने जो काफिया मिलाया है, हाँ इसी बात पे एक नंबर मिला दीजिए, मेरी आउटगोइंग बंद है। किसका नंबर है ये? मेरा ही नंबर है, मुझे चेक करना है कहीं इनकमिंग भी तो बंद नहीं हो गई। उस्ताद जी जाओ इधर बैठो। अरे राजा साहब कैसे हैं? एकदम। राजा साहब की जय हो। राजा साहब हमें माफ कर दीजिए, इस बार हम आपको लगान नहीं दे पाए हैं। उस्ताद जी हमारे गांव में बाढ़ आई गई है साहब। उस्ताद जी ये साहब राजा जी हैं, आप क्या कर रहे हैं आप? तो मेरे को कौन सी रानी बना दिया आपने? हाँ साहब राजा जी जी। सॉरी अल्ताफ जी, मुझे माफ कीजिएगा, मेरी सास की नजर कमजोर है। अरे okay. पास की नजर कमजोर है बोलते हैं। अरे मेरी सास की नजर है वो कमजोर है, क्योंकि एक बारी मैंने अपने सासू माँ को कहा, मैंने कहा सासू माँ मुझे आपकी बेटी अच्छी नहीं लगती। तो वो बोली तुम मेरी नजर से देखो, दामाद जी अच्छी लगेंगी। तो मैंने नजर ले ली। ये हमारे मोहल्ले के सर फास्ट चार्जिंग उस्ताद जी हैं, बड़ी जल्दी चार्ज होते हैं ये। फास्ट चार्जिंग कहाँ से चार्ज होता है ये भी बता दीजिए। पुलिस के डंडे से चार्ज होते हैं, आए दिन इनको कोई ना कोई पीटता रहता है। आई एम जस्ट फेड अप। फेड उस्ताद जी या ये फालतू बातें करने आए हैं आप? नहीं, आज मेरी फ्रेटर्निटी के लोग आए हैं, आज मैं इनसे बात करना चाहूंगा और आज शो चलेगा हमारा। वेलकम टू उस्ताद घर छोड़दास शो। क्या बात है। शब्बीर कुमार साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या आप अपने पुराने कपड़ों के बदले बर्तन लेते हैं या गरीबों में दे देते हैं?
उस्ताद जी आपको शर्म नहीं आती आपको मेहमानों से कपड़े मांग रहे हो आप? तो साहब अगर कपड़े नहीं लूंगा नहीं पहनूंगा तो ज्यादा शर्म आएगी। खैर अल्ताफ साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी कभी शो के लिए जाएं आप मुझे साथ में लेके जाएं, मैं आपके साथ मिलके गाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है दिली उसके लिए कुछ आना भी चाहिए, म्यूजिक भी आना चाहिए ना आपको। तो किसने कहा हमें संगीत नहीं आता? हमें संगीत सब कुछ आता है, आप यकीन नहीं आता हमसे पूछ लीजिए, ना जवाब दे पाए मेरा मुंह काला करके गधे पे बिठा दीजिएगा। राग दरबारी के स्वर बताइए फिर, राग यमन के बता, कोई भी बता दे जो आपका मन। टैक्सी तुम चली जाओ, मैं आज गधे पे आऊंगा। चलिए जब तक गधा आने में टाइम है तब तक मैं आपको अपने गधों से मिलवाता हूँ। चंगू मंगू नंगो। उस्ताद जी, उस्ताद जी ये तीनों बच्चे इन्होंने दिए हैं, इधर आओ इधर आओ, ये बड़ी चुड़ैल ले। जीते रहो जीते रहो, तुम रहने तो चप्पल गंदी हो जाएगी मेरी। बैठो बैठ जा जल्दी। मैं भी सामने बैठ के देखता हूँ उस्ताद जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। मैं एक शादी के कंसर्ट में गया, मैं वहां गया, मेरे को भूख लग गई, खाना देख के मैंने ज्यादा ठूस लिया, जाके मेरे को नींद आने लगी, दूल्हे की कुर्सी पे सो गया। फिर क्या हुआ उस्ताद? फिर मार पड़ गई जी, मुझको मार पड़ गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मेरी ये वाला अंगूठा पकड़ा, यहाँ टच करा दिया, मेरी ये वाला उंगली पकड़ी, यहाँ टच करा दी, फिर मेरी चीची उंगली पकड़ के यहाँ टच करा दी। क्या बात? फिर मेरी पोटली बनाई, पोटली बना के बाहर फेंक दी, मेरी आंख खुली तो सामने क्या पड़ा था? क्या? कचरा कचरा कच कचरा 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 आइए शबीर भाई सर आइए, जोरदार तालियां हो जाए एक बार शबीर भाई के लिए, अल्ताफ भाई के लिए, सुनीता जी के लिए और श्वेता जी के लिए। शबीर भाई, अल्ताफ भाई, श्वेता जी, सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए और बहुत मजा आप सबसे मिलके। और दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.